नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, और इस रेसिपी को बना करके आप पूरे साल तक स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि बरसात में और गर्मियों में टमाटर बहुत महंगे हो जाते हैं। तो आप यदि इनको इस तरीके से बना करके रखोगे तो आपको गर्मी और बरसात में टमाटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से टमाटर लिए हैं, बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं लेने हैं, तो बस आपको इस तरीके से कड़े कड़े और फ्रेश ताज़े टमाटर लेने हैं। तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब क्या करते हैं, हम एक सूती कपड़ा लेते हैं, इनको अच्छे से कुछ इस तरीके से क्लीन कर लेते हैं और पोंछ लेते हैं। बहुत अच्छे से पोंछ लेना है इनको हमें, जिससे कि इनमें पानी ना रहे। अब हम क्या करते हैं, इनको कट कर लेते हैं। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा गले नहीं हैं, तो ये अच्छे से कट हो जाएंगे। बिल्कुल बारीक हमें कट करना है, बहुत बड़ा बड़ा हमें कट नहीं करना है। तो बस इस तरीके से देखिए, जिस तरीके से हम कट कर रहे हैं, आपको इसी तरीके से कट कर लेना है, जिससे कि इसमें ज़्यादा पानी ना निकले और ये अच्छे से कट भी हो जाए। तो जब भी आप कट करें तो बारीक कट करें, मोटा मोटा कट बिल्कुल ना करें। तो देखिए, इसी तरीके से हमें सब पूरे कट कर लेने हैं, ये बड़ी आसानी से कट हो जाएंगे। थोड़ा चाकू आप अच्छी लें, जिससे कि ये कट हो सकें। इनको काटने में समय नहीं लगता, और जो रेसिपी बनने वाली है आज, वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, अमेजिंग बनेगी। आप इसलिए पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों, आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, बातों ही बातों में मैंने ये सब कट कर लिए, और अब हम इनको क्या करते हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपकी रेसिपी भी बहुत ही बढ़िया अमेजिंग बने। तो इसके लिए एक हम थाली रखते हैं, उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखते हैं, और इसमें इस टमाटर को डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें जो भी पानी है वो इसका निकल जाएगा, लेकिन पानी को आपको फेंकना नहीं है, उसको हम यूज़ में लाएंगे। तो किस तरीके से यूज़ में लाएंगे, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। आप देख सकते हो कि 15 से 20 मिनट हो गए हैं, कुछ इतना पानी इसका निकल आया है। तो इस पानी को हम एक साइड रख देते हैं, और अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो एक बड़ा बर्तन लेते हैं, और इसमें हम डाल देते हैं ये पूरा टमाटर जो मैंने कट किया हुआ है। तो जब भी आप काटें, थोड़ा महीन महीन काटें, मोटा बिल्कुल ना काटें, जिससे कि ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बन सके। तो इसको क्या करते हैं, हम एक साइड रख देते हैं। अब हम एक जार लेते हैं, इसमें हम डाल देते हैं ढेर सारी धनिया, क्योंकि गर्मियों में धनिया भी नहीं मिलती है। और ये जो टमाटर का बचा हुआ पानी है उसको हम थोड़ा डालेंगे, पूरा इसमें नहीं डालेंगे, तो थोड़ा पानी इसमें डाल देते हैं, और ये पानी थोड़ा सा अलग रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस धनिया को हमें ग्राइंड करना है, तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें अब हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने टमाटर का रस था वो डाल दिया, और हमें ज़्यादा इसमें मसाले कुछ भी नहीं डालने हैं, क्योंकि हम टमाटर की बड़ी बना रहे हैं, और टमाटर जो है हर सब्ज़ी में ज़्यादातर पड़ता है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से ये अच्छे से इसका पेस्ट तैयार हो गया। अब हमें बाइंडिंग के लिए तो कुछ चाहिए, क्योंकि हम दाल इसमें नहीं डाल रहे हैं, आलू इसमें नहीं डाल रहे हैं, तो हम डाल देते हैं मटर, क्योंकि ज़्यादातर मटर हर सब्ज़ी में पड़ता है, और आप किसी भी सब्ज़ी में डाल सकते हो। तो इसकी सब्ज़ी किस तरीके से बनेगी वो हम आपको बाद में बताएंगे, प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। तो देखिए, इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मटर नहीं ली है, 1 किलो टमाटर में मैंने केवल 100 ग्राम मटर के दाने लिए हुए हैं। इसको भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, हमें इसका पेस्ट बना लेना है, क्योंकि हमें इसकी बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, बिना बॉन्डिंग के ये बड़ी नहीं बन पाएगी, और ना ही हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो यदि आप इस तरीके से बनाएंगे तो स्टोर हो जाएगी बहुत अच्छे से। अब जो ये पानी बचा है और जो मटर है उसको भी हम डाल देते हैं, और इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं, और अब ये बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाएगी। इसको ग्राइंड होने में समय नहीं लगेगा, बीच में हम चम्मच की सहायता से इसको चला चला करके ग्राइंड करेंगे, जिससे कि इसका एक बहुत बढ़िया सा स्मूथ पेस्ट बन जाए। मैंने इसमें किसी दाल का प्रयोग, उड़द या मूंग दाल या बेसन या आलू कुछ भी प्रयोग नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये 100 ग्राम मटर डाली हुई है। तो देखिए, अच्छे से ये पेस्ट बनकर के तैयार हो गया है, लेकिन यदि इसमें मटर के दाने हों तो थोड़ा सा और ग्राइंड कर लें और अच्छे से इसका पेस्ट बना लें। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो इसको हम निकाल लेते हैं, और अब जो मैंने ये टमाटर लिया है इसमें इसको डाल देते हैं।
तो मैंने कि इसमें कोई भी मसाला नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ हरी धनिया और मैंने टमाटर और थोड़ी सी मटर डाली हुई है। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। हमें इसमें नमक भी नहीं डालना, ना ही हम लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि आप जो भी सब्ज़ी बनाएंगे उसमें इसको डाल सकते हो। बहुत ही बढ़िया चटपटी खट्टी सब्ज़ी बनेगी, पूरा फ्लेवर टमाटर का आएगा। तो देखिए, आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, कुछ इस तरीके से फेंट लिया है। हमें आसानी से इसको मिक्स कर लेना और ये बड़े आराम से मिक्स हो जाएगी। अब मैंने एक थाली ली हुई है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है जिससे कि ये चिपके ना। आजकल धूप बहुत अच्छी निकल रही है, आप इस तरीके से टमाटर को स्टोर कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीका है, आसान तरीका है और साथ में दोनों का फ्लेवर हमारी सब्ज़ी में आएगा। तो बस इस तरीके से हमें थोड़ी बड़ी बड़ी बनानी है, बहुत छोटी नहीं बनानी है, और ये झटपट बन जाती है। इनको बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता। जिस तरीके से आप पकौड़ी बनाते हो बस उसी तरीके से इसको रख देना है। आप चाहें तो चम्मच की सहायता से भी इनको रख सकते हो, पर हमें हाथ से बनाने में थोड़ा इजली लगता है, इसलिए मैंने हाथ से बनाया है। ये झटपट बन करके तैयार हो जाती है और टमाटर हमारा पूरे साल के लिए स्टोर हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये कितनी बढ़िया और कितनी जल्दी बन गई है, इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा है। ये हमारी सब्ज़ी का स्वाद बहुत बढ़िया बढ़ाएगी। गर्मियों और बरसात में जब भी आप किसी भी सब्ज़ी में डालना चाहते हो तो आप इसको निसंकोच डाल सकते हो। जिसमें टमाटर पड़ता है, जिस सब्ज़ी में आप टमाटर डालते हो, उस सब्ज़ी में इनको डाल करके बनाना है। अब इनको आपको किस तरीके से बनाना है ये आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, हम वीडियो के अंत में बताएंगे। तो देखिए, थोड़ा दूर दूर बनाइएगा, पास में बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा सा दूरी रखें जिससे कि ये आराम से अच्छे से निकल सकें। इनको हमें धूप में सुखाना है, इनके लिए धूप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टमाटर है, थोड़ा सा इसमें रस भी पड़ा हुआ है टमाटर का, जिससे कि इसको सूखने में 4 से 5 दिन लग जाएंगे। ये बहुत अच्छे से 4 से 5 दिन में सूख जाएगी। तो आप देख सकते हो कि हमारी बढ़िया सी बड़ी कुछ इस तरीके से बनकर के तैयार है। तो यदि आपने अभी तक टमाटर को स्टोर ना किया हो तो आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हो पूरे साल के लिए और टमाटर का स्वाद ले सकते हो। तो देखिए, हमारी बढ़िया सी यम्मी सी बड़ी बनकर तैयार हैं। तो इनको अब हम क्या करते हैं, इनको हमें धूप में रखना है। तो 3 से 4 दिन समय इनको सूखने में लगेगा। तो दोस्तों, यदि ये हमारी टमाटर की बड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।